राजधानी पटना में मंगलवार सुबह एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी इलाके की है। मृतक की पहचान राजीव कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। वह बजरंगपुरी इलाके के ही रहने वाले थे। सुबह वह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए हर दिन की तरह आज भी निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही बदमाशों ने गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि सुबह करीब 5 बजे राजीव कुमार गुप्ता मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान 2 की संख्या में बदमाश उनके साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनके सिर में एक गोली मारी, जिसके बाद वह गिर गए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना हुआ कि वो मेरे बड़े मामा थे, राजीव रत्न गुप्ता। सुबह हमको कॉल आया कि मतलब एक अननोन नंबर से कॉल आया कि मतलब उनका दिया है गोली मार के मतलब हत्या कर दिया है। तो हम सुबह यहाँ पहुँचे हैं तो मालूम चला कि आगे आगे मतलब जहाँ पर बजरंगपुरी इंटर कर रही है उसे एक दो बात इधर मतलब वहाँ पर उनका वो मतलब गोली मार दिया गया था। 2 लोग मारे हैं गोली, सीसीटीवी कैमरा लोग उठा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में 2 लोग मार के भागे, इस तरह भागे हैं। उसके बाद अभी जस्ट मालूम चला है कि मतलब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि उनको 5 गोली मारा गया है, पेट में मारा गया है। इतनी जानकारी मेरे को। आखिर घटना का क्या कारण हो सकता है, कुछ विवाद है आपसी? घटना का विवाद जैसा अभी लोग मामी बता रही हैं कि मतलब कि कुछ कोई हैं आसपास के, दो उनके साथ 2-3 लाख लोग रहते थे, तो वो लोग का लड़ाई का लड़ाई दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। लड़ाई का समझौता करने का मतलब समझौता मतलब वही लोग कुछ दिन पहले दिया था गया दिया गया था। तो मामी तो उन लोग वही दोनों को शक है कि वही लोग दोनों में से कोई है सुबोध के हत्या किया है। और मतलब उन्हीं लोग का पूरी तरह शक है, बाकी क्योंकि उनसे किसी और किसी महल्ला या मतलब किसी परिस्थिति से उनका लड़ाई दुश्मनी कुछ नहीं था उनका। कुछ जमीन का मामला सामने आ रहा है? हाँ, जमीन का एक है कि मतलब कहीं तो यहाँ बगल में कहीं पर जमीन पर मतलब अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। तो लोग सही लोग साथ में मतलब बना रहे थे, उसमें दो लोग का उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा में इनका मतलब बताया था कि इनको बुलाया गया था लेकिन नहीं गए, क्योंकि आप लोगों का समझ लड़ाई है आप लोग समझिए। तो मतलब मामले बता रही कि मतलब उन्हीं मतलब वही दोनों लोग हैं जो मतलब इस हत्या में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या घटना स्थल पर पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस का अभी आई हुई थी, तो लोग यहाँ पर थे पुलिस में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमित विजय। मतलब क्या कुछ विवाद पहले का कुछ लग रहा है? विवाद अभी हम लोग को कुछ नहीं है, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। लेकर के भी मामला सुन रहे हैं, चंदे उन देखे लगे भी कुछ मामला है। क्या मामला है, मोहल्ला का है? हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर रहते हैं, इसीलिए हम तो क्या करते थे आप सर? सुनिए ना, क्या करते थे सर बाबू? बता दें कि राजीव कुमार गुप्ता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। वह सरकारी कर्मी थे और किसी अच्छे पद पर थे, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। यह भी बात सामने आई है कि उनकी पत्नी और बच्चे भी सरकारी नौकरी में हैं। हालांकि घटना के पीछे क्या कुछ वजह है इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। परिजनों की ओर से अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। बजरंगपुरी के रहने वाले एक थे राजीव कुमार गुप्ता, उन्हीं को गोली लग रही थी, सुबह टहलने गए थे। कितनी गोली मारी गई है सर? गोली तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए कितना गोली है आ रहा है। क्या विवाद था सर पहले से? अभी ये सब जाँच चल रहा है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है सर? अब जाँच चल रही है। जाँच बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। इसके पहले भी पटना सिटी में बीते कुछ महीनों में सुबह सुबह इस तरह की घटना हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंगेर में आरजेडी नेता को मॉर्निंग वॉक के दौरान ही बदमाशों ने गोली मारी थी। एक बार फिर अब राजधानी पटना में सुबह सुबह हत्या से हड़कंप मच गया है। दर्श न्यूज के लिए पटना सिटी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।